अर्जुन कह रहे हैं हे कृष्ण यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो समस्या का यही आखिरी उत्तर है कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो कोई नहीं बच सकता कर्म से बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से आचार्य जी प्रणाम मेरे जीवन में पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है मैं जो सोचती हूँ मेरे कार्य तथा शब्दों में पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर पाती हूँ हमेशा लगता है कि भविष्य के लिए तैयारी कर रही हूँ लेकिन जीवन तो प्रतिफल प्रतिपल खत्म ही हो जा रहा है जीवन बहुत ही संकुचित रूप में व्यतीत कर रही हूँ आचार्य जी कृपया मार्गदर्शन करें किनका है सवाल बदल गया थे आज तक लगी नहीं रहा ये कल ही वाले व्यक्ति का सवाल है फिर से पढ़िए सर जी प्रणाम मेरे जीवन में पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है मैं जो सोचती हूँ मेरे कार्य तथा शब्दों में पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर पाती हूँ हमेशा लगता है कि भविष्य के लिए तैयारी कर रही हूँ लेकिन जीवन तो प्रतिपल खत्म होता जा रहा है जीवन बहुत ही संकुचित रूप से व्यतीत हो रहा है मार्गदर्शन विश्य की चिंता परेशानी तब करती है जब वर्तमान बिल्कुल सूना बेरंग बैठा हो और वर्तमान किस चीज से भरना है इसका कोई एक सीधा साधा उत्तर नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि आप जो व्यक्ति हैं वो इनसे अलग हैं इनसे अलग हैं इतना ही नहीं आप आज जो व्यक्ति हैं वो उस व्यक्ति से अलग है जो आप दो साल पहले थे दो साल बाद होंगे सब लोग अलग अलग हैं लेकिन सबकी केंद्रीय अभीपा एक ही होती है और वो बात बहुत स्पष्ट है सब दिखते हैं सबके अनुभव की है परेशान कोई नहीं रहना चाहता हम्म ठीक सारा अध्यात्म इस सीधे से वाक्य से उठता है हम परेशान नहीं रहना चाहते किसको पसंद है सरदर्द यहां बज रहा ऐसा लग रहा है धीरे धीरे टन 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 होता है ना भारी भारी सा है किसको पसंद है किसी को नहीं होता यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है सब लोगों की मौलिक और साझी चाह है शांति कोई ऐसा नहीं होता जो अशांत परेशान रहना चाहे उसी शांति को अलग अलग नामों से कह दिया जाता है अलग अलग संदर्भों में कभी उसको सत्य कह देते हैं कभी सरलता कह देते हैं कभी बोध कह देते हैं कभी कह दिया जाता है कि सत्य से प्रेम करो कभी कह दिया जाता है शुद्ध होने के लिए साधना करो ये सारे इशारे बिल्कुल एक ही चीज की ओर हैं कोई अंतर नहीं है और वो जो चीज है वो हम सब में साझी है तो हमने दो बातें कहीं जितने लोग यहां बैठे हैं वो सब अलग अलग हैं और अलग अलग परिस्थितियों में हैं ठीक जो आपकी स्थिति है वो इनकी स्थिति नहीं है और आपकी जो आज स्थिति है वो कल नहीं होगी और इसी के साथ हम कह रहे हैं कि कितनी भी स्थितियां अलग अलग हों एक चाह सबकी साझी है दिमाग में धड़धड़ नहीं चलती रहनी चाहिए हु? दिमाग वैसा रहे जैसा मौन के समय रहता है या जैसा सोते समय रहता है तो आप जहां भी हैं और जो भी कुछ कर रहे हैं आपको यही प्रश्न अपने आप से पूछना है क्या इसमें शांत हूं मैं और नहीं अगर शांत हूं तो अब मुझे वो करना है जो मुझे अशांति से मुक्ति दिलाएगा तो हमने ये जितने शब्द बोले थे फिर सत्य शांति सरलता बोध प्रेम उन सबसे बड़ा शब्द हमें फिर मिल जाता है क्या है वो शब्द मुक्ति क्योंकि सत्य को पाने जैसा कुछ होता ही नहीं झूठ छोड़ना होता है तो सत्य को पाने से ज्यादा ऊंची बात है झूठ से मुक्ति सर हमारा इसलिए नहीं बज रहा कि इसमें सच नहीं है सर हमारा बजता रहता है क्योंकि इसमें झूठ बहुत है तो सच से भी ऊंची बात क्या हुई ऊंची इस अर्थ में कि उपयोगी सच से भी ज्यादा उपयोगी बात क्या हुई तो आप पूछे कि क्या करूं देखो कि क्या है जो तुमको भीतर से लगातार दलता रहता है जान लगाकर कोशिश करो उससे मुक्ति पाने की बस ऐसे ही जीना होता है हुँ? और कोई तरीका नहीं है मैं कोई लच्छेदार बातें नहीं सुनाना चाहता आपको कि अध्यात्म माने स्वर्गतुल्य अनुभव अध्यात्म माने प्रेम की बंसी अध्यात्म का मतलब होता है संघर्ष साधना कुछ तो ऐसा तुमने पकड़ रखा है ना जिसके कारण तुम्हें अध्यात्म की जरूरत है अध्यात्म कोई अनिवार्यता कोई विवशता नहीं है मुक्त पुरुष को अध्यात्म चाहिए ही क्यों उसे अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है उस पर कोई नियम भी नहीं लागू होते साधना के हमें अध्यात्म चाहिए हमें क्यों चाहिए क्योंकि हम बंधे हुए हैं हम परेशान हैं हम कैद में हैं तो भिड़ना पड़ेगा लड़ना पड़ेगा कोई विकल्प नहीं है भाई कैद में रहो तुम और वहाँ बैठ के तुम रूमानी गाने सुनो और नाचो खेलो श्रृंगार करो आभूषण पहनो भविष्य के सुंदर सपने लो एक दूसरे से गोलमोल बातें करो ये शोभा नहीं देता ना बड़ी मूर्खता की चीज़ हो गई ना कि नहीं कि जैसे कसाई के पिंजड़े के भीतर दो चार मुर्गे एक आध मुर्गियां और वो वहां बैठ करके राजनीति पे चर्चा कर रहे हैं कह रहे हैं अगली सरकार किसकी बननी चाहिए किसी की सरकार बने तुम पे क्या असर पड़ेगा तुम पिंजड़े के मुर्गे हो तुम सरकार और राजनीति की बातों में रुचि रखते ही सिर्फ इसलिए हो ताकि तुम्हारी जो वर्तमान हालत है उससे तुम्हारा ध्यान हट जाए सोचो ना कसाई के पिंजड़े देखें ना उसमें कुक्कड़ मुर्गा और गुटरी मुर्गी बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र का हाल भी कर्नाटक जैसा होगा और थोड़ी देर पहले उन्होंने देखा है कि पिंजड़े में एक हाथ भीतर आया था एक को उठाया था वहां ले जाकर के पत्थर पे रखा था और खच सब देखा है पर अपने आप को धोखा देने की हमारी पुरानी आदत या वो मुर्गा मुर्गी बैठ करके कहीं की माता का व्रत रखते हैं क्या होगा रे आरती गाते हैं वहां अंदर एक ज्योतिषी भी है वो कहता है मैं पंजे देखता हूं वो सबको उनके पिछले जन्म और अगले जन्म का हाल बता रहा है क्या करोगे ये सब जान के तुम्हारे लिए इनकी कोई प्रासंगिकता कुछ मिलेगा थोड़ा बड़ा पिंजड़ा है उसके भीतर भूरी मुर्गी ने ब्यूटी पार्लर भी खोल रखा है वहां चार पांच लाइन लगा के खड़ी हुई है रही मेरे पंख वगैरह थोड़ा चमका दो अच्छे से अभी ये नोचे जाएंगे वहां पंख चमकाने के लिए खड़ी करी नाखून अच्छे से क्लिप कर देना अभी इन्हें कुत्ते खा रहे होंगे सड़क के होश का मतलब यही होता है अपनी वर्तमान हालत के प्रति ईमानदारी असल में जानना भी नहीं सिर्फ ईमानदारी क्योंकि भाई जानते तो हम हैं ही कौन है जो नहीं जानता हमें ज्ञान की नहीं ईमानदारी की कमी है हमें होश की नहीं साहस की कमी है सब जानते हैं पर भीतर इतनी तामसिकता भरी हुई है कि कौन संघर्ष करे इस कैद इस पिंजड़े इस कसाई के खिलाफ तो अपने आप को ऐसा जताओ अपने ही प्रति ऐसा अभिनय करो जैसे सब ठीक चल रहा है सब ठीक ही तो चल रहा है सुबह सुबह कुकर उठकर बोलता है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तेरे लिए गुड मॉर्निंग तेरे लिए कैसे गुड है ये मॉर्निंग वो कहे कि देखिए मैं कितना निर्बल हूँ और ये लोहे की सलाखें हैं और वो अब्दुल कसाई है उसकी बाहें देखिए मजबूत मेरी हैसियत क्या है वहाँ वो चाकू है उसकी धार देखिए मेरी औकात क्या है तो भाई तू एक काम कर तू मुक्त होने की कोशिश में इन तीलियों से इन सलाखों से लड़के मर जा वो मौत भली होगी ना कम से कम उस मौत में कुछ रस तो होगा कुछ दम होगा कुछ ईमानदारी होगी और तू अपनी ओर से पूरी कोशिश तो कर क्या पता कहीं से सहारा आ जाए कौन जाने कहीं से सहारा आ जाए मैं इंदिरापुरम की ओर से निकल रहा था तीन चार साल पहले की बात है अचानक मेरी गाड़ी के सामने दौड़ता हुआ एक मुर्गा आ गया मैंने ब्रेक मारा वो बच गया पीछे से उसका कसाई आया उसने उसको उठा लिया और ले गया मैं गाड़ी लेके थोड़ा आगे बढ़ा फिर मैंने कहा नहीं लौटना पड़ेगा मैं लौटा जितनी देर में मैं लौटा उतनी देर में वो दुकान ही बंद कर गया था अपनी उसके बगल की दुकान खुली थी वहाँ लाइन से तीन चार दुकानें थी इसी की मैंने कहा ये दुकान वाला कहाँ गया मुझे कुछ चाहिए बोला अभी बुला लाते हैं भाई को उसकी बिक्री हो रही है तो वो गया वो कहीं पास में ही रहता था उसको बुला लाया मैंने कहा वो मुर्गा चाहिए मुझे जो अभी सड़क पे दौड़ा था थोड़ा उसको ताजुब हुआ मुझे देख के बोला आप भी <laughs> मैंने कहा नहीं चाहिए ले आ बोलता है वो बड़ा गड़बड़ मुर्गा है मैं दुकान बंद कर रहा था और जितने बचे हुए मुर्गे थे आज के उनको सबको एक में डाल रहा था इतने में वो हाथ से झटक के भाग गया निकल ही जाता बड़ा नुकसान करा देता वो ऐसा ही करता है मैं कहा नहीं वही वाला चाहिए तो ले आया दिया मेरा पहला अनुभव था किसी मुर्गे को छूने का वो था भी खतरनाक इधर उधर ऐसे ऐसे देखे चोंच मारे आवाजें करे सब करता था उद्दंड विद्रोही मुर्गा फिर मैंने उसको गाड़ी में बगल वाली सीट पर रखा और उसको स्थल ले आया रहा वो डेढ़ दो ढाई साल करीब रहा बढ़िया मस्त मुर्गा हो गया वो आठ दस किलो का जो यहाँ संस्था से पुराने लोग बैठे हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको उसने दौड़ाया ना हो आपको अगर बोध स्थल में प्रवेश करना होता था तो पहले उससे पार पाना होता था खुला घूमता था पूरे में और नए आदमी को देख करके बिल्कुल अनुमति नहीं देता था तुम हो कौन आ कैसे गए फोटो है वीडियो है जहां वो लोगों को दौड़ा रहा है उसी दिन कट गया होता नहीं बचना था उसको पर उसने कुछ ऐसा करा जो जरा अलग था जितनी भी उसमें जान थी उसने वो जान दिखाई और फिर कहीं से मदद आया सहारा तुम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते पर जितना कर सकते हो उतनी तो हिम्मत दिखाओ ना हिम्मत मुर्गा मददे खुदा तुमने उतनी भी हिम्मत दिखाई जितनी एक मुर्गा दिखा सकता है वो छूट के भागा वो सड़क की तरफ आ गया कि गाड़ी से कुचल के मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा पर इसके साथ रहना मंजूर नहीं है गाड़ी हो सकता है उसे कुचल ही देती हो सकता है मेरे ही टायर के नीचे आ जाता पर नहीं आया मदद मिलती है सहारे आते हैं चमत्कार होते हैं थोड़ा भरोसा तो रखो और नहीं होंगे चमत्कार तो अधिक से अधिक क्या होगा मरी तो जाओगे मर तो वैसे भी रहते वहां एक रात वो और जी लेता तो क्या होता अगले दिन कटता और याद रखना मैंने भी वहां उससे नहीं कहा कि ये तेरे पास जितने मुर्गे हैं सब मेरी गाड़ी में डाल दे एक ही बचा कौन सा बचा जिसने हिम्मत दिखाई वो जितना कर सकता था उसने किया उसके आगे का काम खुदा का बात समझ में आ रही है इसमें ज्यादा तुक और तर्क नहीं लगाए जाते बैठ करके बहुत व्यवहारिक ज्ञान नहीं बघारा जाता कि मैं तो मुर्गा हूं मेरी हैसियत क्या मैं तो फंस गया हूँ बाहर जाके होगा क्या ए, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता हम दौड़ पड़े सोचो वो बड़ी व्यस्त सड़क है और नौ साढ़े नौ का वक्त था करीब व्यस्त सड़क पर एक मुर्गा दौड़ा जा रहा है जीतू नाम रखा था हमने उसका असल में उसका नाम जीतू नहीं था जी टू था जी टू हम्म और जी टू माने जी 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 माने वो मैं वाई टी ज्वाइन पे बताऊंगा स्ट्रिक्टली ओनली फॉर मेंबर्स भाई जीतू की शान के खिलाफ है कि यूं ही उसके बारे में कोई बात उड़ा दी जाए जो लोग थोड़ा अपनापन दिखाएं जुड़ना चाहें उन तक ही उसकी बात पहुंचनी चाहिए ना हुँ? तो मुर्गे की मदद भी खुदा तभी करता है जब वो पंख फड़फड़ा के जान लगा के कसाई के हाथों से छिटक करके सड़क पे दौड़ पड़ता है और कहता है होगा जो होगा देखा जाएगा जो भी होगा अभी जो हालत है उससे बेहतर होगा आई बात समझ में भविष्य नहीं सोचा जाता और आपके तो प्रश्न में ही सबसे ऊपर भविष्य बैठा है मेरा भविष्य क्या होगा जीतू ने अपना भविष्य सोचा था जीतू ने अपना भविष्य सोचा था क्या तो भविष्य की नहीं सोचनी है वर्तमान के खिलाफ विद्रोह करना है जो भविष्य की सोचते हैं उनका वर्तमान वैसा ही चलता रहता है जैसा चल रहा है